हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों मैं शाह हसन आपकी दोस्त आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के आई हूँ इस वक्त क्योंकि इस वक्त जो है एक माहौल ये बन चुका है लोगों के अंदर कि कल जो एस सर वेबिनार हुआ था कोऑपरेट वेबिनार उसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा पैनिक थे लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि एस ने इतना अच्छा वेबिनार दिया क्योंकि आज सर को पहले उस वेबिनार में शायद वो ना भी आ पाते क्योंकि वो बहुत बिजी चल रहे थे लेकिन फिर भी क्योंकि सेकेंड ऑफ अगस्त का वेबिनार पोस्टपोन हुआ इसीलिए सर को फोर्थ को आना पड़ा वरना शायद वो और अभी वन वीक के बाद आ पाते लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं फाउंडर्स वेट कर रहे हैं सो तो, डैट्स वो हमारी मीटिंग में आए और आने के बाद जो उन्होंने हमें अपडेट दिए दोस्तों वो बहुत ही अच्छे थे देखिए सिर्फ ऑन पैसिव को हमेशा हम बात करते हैं समझने की ज़रूरत है उसके बारे में हम बात करेंगे जैसे कि आप थंबनेल में पढ़ रहे हैं कि हिंट्स को समझिए यानी कि जो एज सर के दिए गए जो हिंट्स हैं वेबिनार में आप लोगों ने शायद उनको समझा ही नहीं इसीलिए लोग इतना पैनिक हो रहे हैं उनको जानेंगे दोस्तों लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि कोई भी पॉइंट आपके माइंड से मिस ना हो सो अब हम बात करते हैं सीधी सादी बात जैसे कि आपने देखा कि मैंने बोला कि ऐश सर के दिए गए हिंस को समझिए यानी कि ऐश सर अगर चार साल से एक कंपनी पे काम कर रहे हैं दोस्तों या रात दिन काम कर रहे हैं चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं वो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं ऑब्वियसली अपने लिए तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ सोचिए ये ऑन पैसेव इतने लोगों के फाउंडर्स यहाँ पर आज मौजूद हैं 1.4 मिलियन फाउंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं तो आई थिंक हम सब के लिए भी ऐस सर काम कर रहे हैं हम बार बार कहते हैं कि ऐस सर ने सैक्रीफाइस किया तो इस चीज़ को हम सिर्फ कहते नहीं हैं इसको भी समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि ऐस सर ने कितना सेक्रीफाइस किया जो लोग यहाँ पर चार साल से हैं तीन साल से दो साल से जो बात हम हमेशा करते हैं लेकिन हम अगर इंडियन फाउंडर्स की बात करते हैं दोस्तों तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो इंडियन फाउंडर्स हैं वो करीब दो से ढाई साल की जर्नी सभी की है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने हैं जो स्टार्टिंग फेज से हैं तो अगर आप सोचिए आप दो साल की जर्नी में हैं तो जो लोग चार साल से हैं उन्होंने कितना पेशेंस रखा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ वही टिक पाएगा जिसके साथ पेशेंस होंगे क्योंकि बाकी लोगों को जैसे हमने पहले भी बात की कि इतना सब कुछ ऑन ऑनपैसिव में हो रहा है लेकिन अगर आप ज़रा सी चीज़ों को एक बार नेगेटिविटी आती है माइंड में तो फ्रेंड्स आती ही रहती है तो उसको सबसे पहले अपने माइंड से बाहर निकालिए कि पैसिव जो एक मेरा डिसीजन है फाउंडर बनने का वो डिसीज़न मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहा और वो मैंने आज तक मैं हूँ और जब तक ऑन पैसिव आनी है अभी चाहे दो महीने लगें चार महीने लगें तो मैं ऑन पैसिव के साथ हूँ क्योंकि दोस्तों ऑन पैसे जब आपने ज्वाइन किया तो आपने ये सोच के ज्वाइन किया कि जनरेशन टू तो जनरेशन बिजनेस है मेरी लाइफ का सवाल है मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और आप सोचिए कि आप सोच रहे हैं नौ हज़ार रुपये में हम अपनी लाइफ को सेट करने की बात कर रहे हैं कितनी बड़ी हमने सोच रखी सिर्फ एक नौ हज़ार रुपये ले करके लेकिन उस नौ हज़ार रुपये के लिए हमें वेट नहीं करना हमें सोचना नहीं अगर हमें अपनी लाइफ को सेट करना है आप एक एग्जांपल लीजिए अगर आपको अपने बेटे को या बेटी को डॉक्टर बनाना है तो आप उसको पाँच साल तो लगाएंगे डॉक्टर बनाने में ऑब्वियसली लगेंगे ही लगेंगे देन उसके बाद आप उसे एम भी कराएंगे कोई स्पेशलाइज कराएंगे उसमें भी दो साल लगेंगे तो सात साल सात साल के बाद आपको लगता है वो लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा और मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम होगा नहीं दोस्तों वो मनी फ्रीडम हो सकता है एक बार को लेकिन टाइम फ्रीडम कभी नहीं होगा उनके पास क्योंकि वो और ज़्यादा बिज़ी होंगे और ज़्यादा स्पेशलाइज होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत अच्छा हाई प्रोफाइल होगा अपना हॉस्पिटल होगा तो बहुत सारी चीज़ों में वो बिजी हो जाएंगे बट द थिंग इज़ ऑन पैसिव में अगर आपने नौ हज़ार रुपये लगा के अपनी फ्यूचर सिक्योर करने की बात सोची है अपनी जनरेशन सिक्योर करने की बात सोची है दोस्तों तो ये बहुत बड़ी सोच आपने रख कर के ऑन पैसिव को ज्वाइन किया है तो उसको एक छोटी सी सोच के साथ मिलाइए मत कि ऑन पैसिव स्कैम है कल से अब तक कितने सारे ऐसे मैसेजेस हमारे कमेंट बॉक्स में हमारी चैट में पर्सनल मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि क्या होगा मैम लॉन्च नहीं हो रहा क्या है तो ये सब जो सवाल आते हैं ना दोस्तों जब आपने इतने बड़े विजन के साथ कि अपनी फैमिली सिक्योर आपने सोचा अपनी लाइफ सिक्योर आपने सोचा तो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा तो टाइम का एग्जांपल मैं आपको यही देना चाह रही थी कि जब आप एम बी बी सात आठ साल में कंप्लीट करके एमडी करके आपको क्या टाइम फ्रीडम मिलता है क्या आपको एक आपको सिक्योरिटी मिलती है कुछ नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर आपको एक आपकी जनरेशन टू तो जनरेशन सिक्योरिटी मिल रही है फ्रेंड्स और फ्रेंड देखिए अगर आपको लगता है कि ऑन पैसिव की तरह आपको कोई और कंपनी मिल रही है क्योंकि वाकई आपके सपनों को साकार कर सकती है आपके जनरेशन टू जनरेशन आपके जो है एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है तो आप उसको लाइए तो बोला जैसे गुस्मिंदर सर ने कि हम बात करेंगे ऐसे कि देखिए एसर आपका तो इतना डिले हो रहा है और हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है एक ऐसी कंपनी है जो हमें आज की डेट से ही इतना पैसा दे रही है तो फिर तब तो बात समझ में आ रही है लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है आज तक सोचिए लाइफ में हम जो भी जिस लेवल पर हमें हम लोग एक मीडियम क्लास से हैं कोई हाई क्लास से भी है हमारे साथ लोअर क्लास से भी हैं तो हम ऑल आर फाउंडर्स हेयर और ऑल आर इक्वल इन ऑन पैसिव तो आप ये समझिए कि सारे ही लोग जो हैं सभी लोगों को दोस्तों पैसे का बेट है सभी लोग जो हैं लॉन्च का वेट कर रहे हैं हम भी वेट कर रहे हैं लॉन्च के कब लॉन्च होगा कब हम ये काम करेंगे कब हम अपना ये चीज़ मतलब बहुत सारे हमारे जो ड्रीम्स हैं वो ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि ऑन पैसिव जो है स्पेशली हम ही लोगों के लिए बनाई जा रही है जितने भी हम फाउंडर्स हैं और पैसा नहीं है बहुत सारे लोगों के पास तो उसका फ्रस्ट्रेशन है जो बहुत सारे मैसेजेज आए हम उनको भी समझ रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं एक इशू है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है आज भी मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी मैडम आप तो लगता है अमीर होंगी तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं है मैं भी आपकी ही तरह एक आम फाउंडर हूँ और बिल्कुल एक मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती हूँ लेकिन हाँ दोस्तों एक आपसे कमिटमेंट ज़रूर है जैसे कि ऐसर का है ये कमिटमेंट कि वो आपका आने वाला टाइम जो है ज़रूर चेंज करेंगे ऑन पासिप के थ्रू क्योंकि इतना अच्छा यहाँ पर इनकम स्कोप है इतनी अच्छी यहाँ पर आपने देखा पे प्लान हमारा जो बताया जा रहा है स्ट्रक्चर तो वो आपने सुना भी देखा भी कि ऐसा ने बोला वो पूरी अलग सारी दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं उन सबसे हट के होगा तो जब इतना बड़ी बात ऐसर बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा ना उसमें आप सोचिए कि अगर हम कोई भी बात कहते हैं ना सोच समझ के बोलो तो ऐश सर को इतना पता है उनको कब कहाँ क्या कितना बोलना है वो उसी हिसाब से दोस्तों बात करते हैं सो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा कल के वेबिनार को लेकर के के क्या क्या था और हिंट्स को लेकर के जो मैंने आपसे बात कही देखिए हम लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं हमेशा गुस्मिंदर सर कहते हैं एन्जॉय द प्रोसेस गो विद द फ्लो ये सब जो बातें हम सुनते हैं तो वहीं से हमारा एक कूल बिहेवियर शुरू हो जाना चाहिए कि एन्जॉय द प्रोसेस जब आएगा जब आएगा जब तक हम अपना जो काम कर रहे हैं हम उसको अच्छे से करते रहें और जब भी और पैसे आएगा तो हमारी लाइफ का एक एन्जॉयमेंट शुरू हो जाएगा कल के वेबिनार्स के बाद जैसे मैंने बताया इतने सारे मैसेजेस अलग अलग तरीके के आए तो दोस्तों उन सब मैसेजेस को मैं भी इतना वो नहीं काफ़ी लोगों को मैंने जवाब दिया काफ़ी को मैं नहीं भी दे पाई लेकिन मैं यही कहूँगी दोस्तों बैक ऑफिस ज़रूर विज़िट करते रहिए क्योंकि वहाँ पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा जो भी हमारे कल के अपडेट्स आए वहाँ पर आपको समरी आ चुकी है उस समरी को आप रीड कीजिए उसको हिंदी में पढ़िए इंग्लिश में पढ़िए उर्दू में आती है उर्दू में पढ़िए बंगाली में पढ़िए जिसको जो लैंग्वेज आती है आप उसमें पढ़िए और वहाँ पर एक एक पॉइंट पर पढ़ने के बाद नहीं आ रहा समझ में दोबारा पढ़िए अंडरलाइन कर लीजिए उसको टिक कर लीजिए इस पॉइंट को मुझे पूछना है तो आप दो चार पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं आप उनको लिख करके किसी भी लीडर को कॉल करके आप वो सवाल पूछ सकते हैं कि सर इसमें ऐसा है मेरे समझ में नहीं आया आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए बहुत सारे लोगों ऑन पैसिव को समझते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं जैसे कि हम बहुत सारे लोग हैं पैसा नहीं है परेशानी है किसी ना कोई ना कोई रीज़न है वो पैनिक भी हो रहे हैं उनका भी अपनी जगह जायज़ है लेकिन दोस्तों उसकी वजह से इतना माहौल ख़राब हो रहा था कि इतने सारे लीडर्स के पास आज सभी लीडर्स के पास कॉल आए सभी यूट्यूबर्स के पास कॉल्स आए मैसेजेज आए जो समझ रहे हैं वो कहते हैं ऑल इज़ गुड प्रोसेस गोइंग ऑन सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन जो नहीं समझ रहे उन्होंने तो ये तक डिक्लेयर कर दिया कि आ, कुछ नहीं हो रहा ऑन पैसिव में सब कुछ ख़त्म हो गया अब ऑन पैसिव नहीं आने वाली दो साल तक या 2025 तक कोई कह रहा है 24 तक सब सबके अलग अलग अपने थॉट्स हैं लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है क्योंकि आपको मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था कल कि एस सर ने बोला है कि जो होगा इसी साल होगा और अभी तो दोस्तों अगस्त की शुरुआत हुई है आपको प्रोडक्ट्स आने की बात की है प्रोडक्ट्स भी आएंगे आपको पता है कि अगस्त में भी आएंगे प्रोडक्ट्स सेप्टेम्बर में भी आएंगे और देखिए नवंबर में क्या होने वाला है अपने दिमाग से कुछ भी एज्यूम ना करें कि आज सर आएंगे तो वेबिनार में ये होने वाला है आज तो कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है ऐसा दोस्तों जब ऐश सर आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन जब वो आते हैं और वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी तभी आप सोचिए अदरवाइज़ आप कुछ मत सोचिए फिर दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों तीन बन, तीन मंथ का अगर ऐश सर ने टाइम मांगा है नाइन्टी डेज़ का तो वो किस लिए मांगा है इस चीज़ को सोचिएगा हिंट है ये एक कि हम एक मैसिव एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए हमको जो है स्टाफ चाहिए जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना मैसिव एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए दोस्तों हमको स्टाफ चाहिए उसको संभालने के लिए हमको स्टाफ चाहिए प्रोडक्ट्स हैंडल करने के लिए हमको स्टाफ चाहिए जब स्टाफ आपके पास बड़ा होगा तो डेफिनेटली आपको जगह भी बड़ी चाहिए अब बात तो अगर प्रोडक्ट की हो रही है तो दोस्तों हमारा एक एक जो प्रोडक्ट है वो एक एक कंपनी के बराबर है जैसे कि ओ डोमेन है वो पूरी एक कंपनी है एग्जाम्पल देख लीजिए आप उसका गो डैडी क्या करती है डोमेन ही तो देती है आपको डोमेन प्रोवाइड करती है वो पूरी एक कंपनी है बेसिकली ओ स्टाफ हमारा एक कंपनी है तो हमारी स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए भी जो है हमको स्पेस चाहिए तो अगर तीन तीन चार जगह हमारा ऑफ़िस खुलना है जिसमें कि एक ऑफ़िस हमारा इंडिया में एक और आपको बताया है सर ने खुलना है तो उसके लिए वो नाइन्टी डेज़ का टाइम मांगा गया है सो आई थिंक मैं समझती हूँ ये हिंट आपको क्लियर हो गया होगा जो ऐसा ने बोला कि हमको एक मैसिव एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए हमको जगह चाहिए स्टाफ चाहिए और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए हमको मतलब सब कुछ मैनेज करने के लिए हमारे पास स्टाफ होना चाहिए और और ये तक भी कहा उन्होंने कि प्रोडक्ट इनकम अगर हमारे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट से इनकम कम आ रही है तो उसका भी कंपनसेशन करने के लिए जो है चीज़ों को रेडी किया जा चुका है कि उसकी जगह हम किस चीज़ को ऐसा लेकर के आएंगे सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है दोस्तों कितना काम वैकेंड पे चल रहा है आप फ्रेंड देखिएगा 30 सितंबर तक आपको कितनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं कितना कुछ आपके हाथों में आने वाला है जब आप लगेगा जब आपको कि नहीं नहीं मैं गलत था उस टाइम आज मैं आज मैं देख रहा हूं कि कंपनी हमारी कितना आगे बढ़ी है साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कंपनीज तो देखिए बहुत सारी कंपनी आती हैं चली जाती हैं क्योंकि एम में भी आपने देखा बहुत सारा पैसा जाता है और आ जाता है लेकिन ऑन पैसिव ने अगर आपने नौ लगाए हैं तो मैं यही कहूँगी दोस्तों स्टे ट्यून बी पॉजिटिव क्योंकि ऑन पैसिव इज टोटली या डन डील बिजनेस 100 परसेंट सक्सेस की गारंटी जब ऐश सर देते हैं तो आप मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप नोटिस करा करिए जब ऐश सर बात करते हैं इसीलिए हमेशा ऐश सर के लाइव वेबिनार में ज़रूर आइए ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ऑन पैसिव दिल से बन रही है दोस्तों और दिल वालों के लिए बन रही है तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें हमेशा की तरह और मैं यही कहूँगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे थैंक यू सो मच बाय बाय